मुंबई में सलमान खान के खिलाफ एक FIR दर्ज होती है और यह FIR और कोई नहीं बल्कि मुंबई पुलिस द्वारा सलमान खान को दिए गए उनके बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाटिल दर्ज कराते हैं। यह FIR एक हिट एंड रन केस की थी। 1 अक्टूबर 2002 सलमान खान की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने कांस्टेबल रविंद्र पाटिल अपना बयान देते हैं। रविंद्र पाटिल का यह मानना है कि JW मैरियट से सलमान खान ने शराब पी, उसके बाद वो वहां से ड्राइव करते हुए अपने घर की तरफ निकले। इस समय रविंद्र पाटिल उनके साथ थे। रविंद्र पाटिल ने सलमान खान को मना किया और कहा कि आपने शराब पी हुई है, गाड़ी तेज ना चलाएं, बल्कि गाड़ी ना चलाएं। पर सलमान खान ने उनकी एक ना सुनी और मुंबई में एक बेकरी में सलमान खान ने गाड़ी दे मारी। बेकरी के आगे कुछ लोग फुटपाथ पर सो रहे थे, गाड़ी उन पर भी चढ़ गई। रविंद्र पाटिल की माने तो सलमान खान वहां से भाग गए। उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, पुलिस ने क्रेन से गाड़ी को उठाने की कोशिश करी पर एक बार गाड़ी स्लिप हुई और दोबारा से गाड़ी उन्हीं लोगों पे गिर गई जिनको कुचला गया था। यही सलमान खान के बचाव का एक जरिया भी बना इस केस में। पर आज हम सलमान खान के बारे में बात नहीं करेंगे, भले ही सलमान खान का आज बर्थडे है, पर आज हम बात करेंगे रविंद्र पाटिल के बारे में। 1997 में रविंद्र पाटिल, जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धुले से बिलोंग करते थे, उन्होंने मुंबई पुलिस ज्वाइन करी। उनको एलीट कमांडो एंटी टेरर स्क्वाड के लिए चुना गया। ये एंटी टेरर स्क्वाड टेररिस्ट से लड़ने के लिए बनाया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली एक यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड 24 ईयर्स कांस्टेबल को इस स्क्वाड से निकाल के VIP ड्यूटी में लगा दिया, क्योंकि उस समय सलमान खान को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही थी। अब यहां पर मुंबई पुलिस को ये बात सोचनी चाहिए थी कि अगर सलमान खान जैसे सेलिब्रिटी को अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं, तो एक 24 ईयर ओल्ड कांस्टेबल उसमें क्या कर पाएगा, क्या वो सलमान खान की प्रोटेक्शन कर सकेगा। पर नहीं, यहां पर मैनेजमेंट से ये छोटी सी भूल हुई और एक यंग ईमानदार कांस्टेबल की जिंदगी का एक ऐसा सफर शुरू हुआ जो उसकी मौत के साथ ही एंड हुआ। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो रविंद्र पाटिल सलमान खान के खिलाफ बयान देने के बाद काफी प्रेशर में चल रहे थे। एक तरफ तो कुछ लोग उनको अपने बयान पर बने रहने के लिए बोल रहे थे और दूसरी तरफ उनको अपने बयान से मुकरने के लिए कहा जा रहा था। रविंद्र पाटिल इतने प्रेशर में थे कि कुछ दिनों बाद उन्होंने कोर्ट में एज अ विटनेस आना ही बंद कर दिया। यहां पर लोगों का यह भी मानना है कि रविंद्र पाटिल को काफी सारी दौलत दी गई, जिसके बाद वो नशे और लड़कियों के चक्कर में पड़ गए, जिसके बाद उनकी फैमिली ने, यहां तक कि उनकी बीवी ने उनको डिसओन कर दिया, कहा कि इनसे हमारा आप कोई मतलब नहीं। उधर कोर्ट में ना जाने की वजह से उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया था। रविंद्र पाटिल जो खुद एक कांस्टेबल थे, उनको कुछ दिनों के लिए जेल में भी रहना पड़ा, उसके बाद उन्हें पुलिस ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया। 2007 में रविंद्र पाटिल सड़क के किनारे उनके दोस्त को बहुत ही दयनीय हालत में मिले। उनको टर्बुकोलेसिस यानी कि TB की बीमारी हो गई थी। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों को ये लगा कि शायद रविंद्र पाटिल एक भिखारी हैं जो कुछ पैसे इकट्ठे करके यहां पर अपना इलाज कराने आए हैं। हॉस्पिटल में रविंद्र पाटिल की डेथ हो गई। ट्वेंटी फोर ईयर ओल्ड एक कांस्टेबल जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव धुले से बिलोंग करता था, उसकी जिंदगी उसे कहां ले जाकर पटकेगी, शायद ये कभी वो सोच भी नहीं सकता था। अगर वो एंटी टेरर स्क्वाड में बना रहता तो शायद वो अभी जिंदा होता। शायद वो बहुत ईमानदार था, अपनी स्टेटमेंट्स बदलना नहीं चाहता था, पर इतना प्रेशर था उस पर कि कुछ समझ नहीं पाया। एक यंग एनर्जेटिक कांस्टेबल को यह नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। इसी प्रेशर के चलते उसने शराब पीना शुरू कर दी, नशा करना शुरू कर दिया, पर इसके लिए उसको पैसे किसने दिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।